हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका झारखंड टॉपिक चैनल पे स्वागत है। तो देखिए, मैं आज फिर से आप लोग के बीच एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें विनोबा भावे यूनिवर्सिटी BA Part 1 Semester 2 का जो ये सिलेबस है Major 2 हिस्ट्री का है, जिसमें से आप लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास 650 ईस्वी से आपको ये पढ़ना है, कुषाण काल से हर्षवर्धन तक। ये भारत के महान शासकों में से एक थे। इनके शासनकाल में भारत में बहुत सारा चेंजिंग आया, बहुत सारा क्षेत्रीय विस्तार हुआ। उनका क्या शासनकाल के विशेषताएं थे, क्या उनमें कमी रह गया, ये सब आपको डीप से पढ़ना होगा। तो देखिए, यूनिट 1 में है आपका कुषाण एवं शतवाहन, राजनीतिक एवं आर्थिक उपलब्धियाँ, अर्थात उनका पॉलिटिकल कैरियर और उनका जो आर्थिक उपलब्धियाँ था, मीन्स पैसे का जो इनकम का स्रोत था, वो कहाँ से आता था, कहाँ व्यय होता था, ये सारा कुछ आपको डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि ये मेजर हिस्ट्री है तो आपको हर चीज़ डीप से पढ़ना होगा। फिर है यूनिट 2 गुप्त काल, इसमें से आपको चंद्रगुप्त प्रथम, फिर है दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, और चौथा है सांस्कृतिक विकास, कला एवं स्थापत्य। तो ये आपका कल्चरल एंड आर्ट्स और आर्किटेक्चर्स, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना होगा। फिर कला, चित्रकला, साहित्य एवं धर्म, मध्य एशिया के साथ सांस्कृतिक संपर्क। देखिए, क्या ना कि भारत तो अपने पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध बनाना स्थापित कर दिया था, उसमें है कि मध्य एशिया के साथ कल्चरल कनेक्टिविटी, ये आपको करना होगा। फिर है पतन, जिसे हम बंदरगाह भी कहते हैं, तो उसमें पतन जो होता था हमारा एक्सपोर्ट डिपोर्ट, जिससे मूर्त आयात और निर्यात करने के लिए हमें जो क्षेत्र चाहिए उसे हम पतन कहते हैं। तो ये पानी का बंदरगाह होता है, जिससे आपका जलपोत हो गया, पानी जहाज़ हो गया, नाव हो गया, ये सब जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जो उनका संपर्क सूत्र जहाँ एक जगह जाके रुकते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो ये हमारा पतन में आता है। तो इसमें है कि कुषाण एवं सातवाहन काल में पतन का क्या भूमिका था, पतन का विकास कैसे किया गया था, ये सारा आपको डीप से पढ़ना होगा। फिर यूनिट 3 में है आपका हर्षवर्धन, इसमें आपको विजय अभियान, प्रशासन एवं स्रोत। हर्षवर्धन का विजय अभियान कैसा रहा, उन्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, एवं उनका प्रशासनिक जो सेवा था कैसा था, और उनके प्रशासनिक सेवा में जो स्रोत थे, जैसे पार्ट बांटा जाता है, वो सब में कौन कौन से किनका मुख्य भूमिका था, ये आपको करना है। फिर यूनिट 4 में है चालुक्य एवं पल्लवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बारे में भी आपको डीप से पढ़ाई करना होगा, तब ये आपका Major 2 हिस्ट्री जो है अच्छे, मतलब अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो चलिए, आज का क्लास में इतना ही, फिर मैं आपके नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। धन्यवाद आप सभी को। आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि आपके और भी साथी जो BA Part 1 Semester 2 में हैं, तो उन लोगों को कठिनाई दिक्कत ना हो और वो अच्छे से कर सकें। उन्हें सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है। आप पूरे सेमेस्टर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो फिर आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। तो फिर से मैं एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ।